Hello students, welcome to Math Tutorial Guru classes. Today I shall teach you about an important question. That name is modulus or mod. Student, आज मैं आपको modulus या mod, जिसको हिंदी बोलते हैं निरपेक्ष मान निकालने का जो प्रतीक है यही होता है टू लाइन ड्रा करने ऊपर नीचे से, ये है निरपेक्ष मान या mod. मॉड बोला जाता है या निरपेक्ष मान कहते हैं लोग, और इस निरपेक्ष मान में जहां भी फाइंड करना होता है वैल्यू, तो कैसे फाइंड करेंगे इसको आप अच्छे से समझिएगा. किसी भी संख्या का धनात्मक मान ही निरपेक्ष मान कहलाता है. किसी भी संख्या का धनात्मक मान ही निरपेक्ष मान कहलाता है. तो स्टूडेंट अब हम मान लीजिए कहीं मान है 3 का निरपेक्ष मान लाना हो, मॉड लाना हो, इसका आंसर जो हमें 3 राइट करना होगा. वैसे मान लीजिए मुझे प्लस 3 का लाना निरपेक्ष मान, तभी इसका आंसर हमें 3 राइट करना पड़ेगा. धनात्मक मान प्राप्त करना या लिखना ही निरपेक्ष मान का निकलना कहलाता है. तो आइए चलते हैं दोस्तों हम अपने क्वेश्चन पर. और हमारा क्वेश्चन है 9, मॉड फाइंड करना है 3 माइनस 5 का, माइनस 5 मॉड 4 डिवाइड बाय 10 अपॉन माइनस 3 ब्रैकेट में 5 माइनस 2 इनटू 4 मॉड डिवाइड बाय 2. ये हमारा क्वेश्चन रहा. अब स्टूडेंट मैं इसी के अकॉर्डिंग इसको फाइंड करूंगा वैल्यू. देखिएगा हमारे दोस्तों, मैं 9 को ऐसे नोट करूंगा, उसके बाद मॉड का सिंबल लगेगा, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, 5 से 3 माइनस करेंगे माइनस 2 आएगा, फिर माइनस 5 ऐसे रहेगा, यहाँ 4 है, 4 को ऐसे ही राइट करेंगे, अकेले ही रहेगा वो. इसके बाद डिवाइड बाय 10 है, इसको रहने दीजिएगा. स्टूडेंट मैं इस लाइन में क्या किया, मोड के निशान के अंदर निरपेक्ष मान के निशान के अंदर भाग गुणा जोड़ घटाव अगर है तो उसको मैं भाग उद्योग के फार्मूले से सॉल्व कर लेता हूँ. हमने यहाँ पर क्यों घटाव किया, घटाव था बस, और ऐसे क्वेश्चन को नोट कर दिया. अपान माइनस 3 ब्रैकेट में यहाँ 5 है, माइनस 2 इंटू 4 है, डिवाइड बाई 2. अब हम आगे चलेंगे सॉल्व करेंगे. मोड के अंदर जो भी चिन्ह थे मैंने उसको सॉल्व कर लिया. अब मोड के अंदर कोई फंक्शन नहीं बचा, कोई काम नहीं बचा, तो हमारा 9 है, क्रिया मल्टीप्लाई लगा हुआ है, छिपा है, उसको लगा लेते हैं. माइनस 2 का जो मोड होगा 2 हो जाएगा. उसके बाद माइनस 5 है, क्रिया मल्टीप्लाई लगा हुआ है, छिपा है, लगा ले सकते हैं हम लोग. फिर 4 का हमें फाइंड करना है मोड, 4 का 4 ही हो जाएगा, डिवाइड बाई 10 अपान. अब यहाँ मल्टीप्लाई करना है, माइनस 15 हो जाएगा, 5 3 15 माइनस 2 4. अब यहाँ आपको पता है दोस्तों कि हम लोग जो हमारा फार्मूला होता है भाग उद्योग का, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाओ, पहले इसमें भाग हम सॉल्व करेंगे नीचे, इसलिए गुणा नहीं करेंगे. इसको ऐसे ही हमें राइट करना होगा जैसे करना चाहिए. मैं सिस्टम में केवल 3 5 15 किया है, यहाँ नहीं कर लो क्योंकि यहाँ पर डिवाइड का सिंबल लगा हुआ है. डिवाइड पहले होगी मतलब भाग पहले हल किया जाएगा, भाग के बाद नहीं गुणा किया जाएगा. अब ये अलग स्टेप था, मैं इसलिए कर लिया इसको, और हम यहाँ बिल्कुल नहीं कर सकते हैं. चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट लाइन पर. पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे, 9 × 2 माइनस 5 × हमें 4 को डिवाइड करना है 10 से, तो इसको डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे. 9 × 2 = 18 राइट करेंगे, माइनस 5 × 4 = 20 कर लेंगे, डिवाइड बाय 10 अपन माइनस 15 माइनस 2 × 4 = 8 डिवाइड बाय 2. अब आगे को हम देखेंगे, पहले तो डिवाइड करेंगे 18 माइनस 20 को डिवाइड करना है 10 से, 10 2 जा 20 2 आ जाएगा अपान
माइनस 15 है माइनस 2 4 जा 8 यहां 4 आ जाएगा इक्वल टू 18 में से 2 गया 16 आएगा उसके बाद दोनों ऐड कर लेंगे माइनस 19 हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा माइनस 16 अपॉन 19 ये हमारा आंसर होगा तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है मान याद करना इसका रूट 72 माइनस रूट 18 होल ब्रैकेट में डिवाइड बाई रूट 12 स्टूडेंट हमको सब्ट्रैक्शन नहीं करना और डिवीजन नहीं करना है तो हम सबसे पहले अपने नंबर को ऐसे नोट करेंगे यहाँ 72 रूट में है माइनस रूट 18 अपॉन यहाँ ब्रैकेट यूज किया गया है आप भी ब्रैकेट लगा लीजिए और 12 को मैं नीचे राइट कर सकता हूँ इतने नंबर्स को डिवाइड करना है 12 से तो ये आपका न्यूमरेटर बन जाएगा और ये डिनोमिनेटर मतलब ये अंश बन जाएगा और ये हर इतना और ये इतना जैसे 12 को डिवाइड करना हो 3 से इसको हम लोग 12 अपॉन 3 कर सकते हैं आगे वाला आंसर पीछे वाला हर उसी प्रकार से इतना पूरा अंश बन जाएगा ब्रैकेट लगा हुआ है और ये क्या हो जाएगा हर हो जाएगा इतना बटे रूट 12 अब हमारी सोल्यूशन करेंगे अपने नंबर्स का हम फैक्टराइज करेंगे उसको हम रणखंड तोड़ेंगे 72 का और 18 का और 12 का आइए हम बगल में सॉल्व करते हैं 72 का रणखंड आपको पता है इसको हम 2 से करेंगे 2 3 जा 6 2 6 जा 12 2 1 जा 2 2 जा 16 2 9 जा 18 3 3 जा 9 3 1 जा ये जो हमारा 2 से मैंने कैंसिल किया फिर 3 से हुआ ऐसे 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24 3 जा 72 72 का मेरा आंसर आ जाएगा फिर 18 का आपको लर्न है वैसे ही और 12 का भी लर्न है उसको ऐसे ही राइट कर दिया जाएगा बिना फाइंडिंग किए तो 72 जहाँ है मैं वहाँ पर उसका फैक्टराइज करूँगा 2 दूना 4 दूना 8 3 24 या 72 ये रहा हमारा 72 का माइनस करेंगे 18 का करेंगे आप 18 का अगर 2 3 6 3 18 नीचे ब्रैकेट पर बंद करेंगे नीचे आएगा बाण या अब 12 का हम नहीं करेंगे 2 2 4 यही 12 अब नेक्स्ट चलेंगे आगे हम जोड़ा बना लेंगे इस स्क्वायर रूट में वर्गमूल में 2 2 का जोड़ा बनता है 1 अब ये सब यहाँ भी जोड़ा बन जाएगा समान नंबर का समान संख्याओं का ही जोड़ा बनेगा एक दो बाहर आएगा एक तीन बाहर आएगा दो और तीन में बाहर कर लिया ये अकेला जो दो है बच गया रूट के अंदर ही माइनस इसमें एक तीन बाहर आ जाएगा और यहाँ भी रूट टू जो है रूट के अंदर बच जाएगा यहाँ भी दो का जोड़ा बनेगा एक दो बाहर आ जाएगा और तीन अंदर रहेगा तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट लाइन पर उससे तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन इसके आगे अभी करना क्या है आप देखिएगा अभी दो तीन छः हो जाएगा और यहाँ 6√2 माइनस 3√2 बटे नीचे लगा हुआ है 2√3 हम घटा लेंगे इसको 6√2 में से 3√2 गया रूट में जो यहाँ नंबर वही नंबर यहाँ होना चाहिए जिस प्रकार से अलजेब्रा में होता है सलाती पद बस यहाँ भी √2 यहाँ भी √2 यहाँ भी ये √2 कितनी टाइम यहाँ पर है 6 टाइम है यहाँ पर 3 टाइम है तो 6 में से 3 घट जाएगा 3 आ जाएगा √2 यहाँ है √2 यहाँ √2 मेरे आंसर में दिया जाएगा 6√2 में से 3√2 घटेगा तो समझ लीजिए 3√2 ऐसे नोट कर लिया जाएगा बटे 2√3 यहाँ जो मेरा आंसर आ रहा है ये है इसका हम इस आंसर का दूसरा रूप भी फाइंड करेंगे आपको मैं इसके आंसर का सेकंड पार्ट भी सॉल्यूशन करूंगा तो मान लीजिए मैं हर का परिमेयीकरण करना हो तो हम अपने आंसर को फिर से राइट करेंगे यहाँ पर मान लीजिए आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ना दिया हो तो अपने आंसर से आंसर फाइंड करेंगे 3√2 अपॉन 2√3 हमारा एक प्रकार का ये एक आंसर है
अगर हमें हर का परिकरण करना है तो हर के रूट को हटाना है तो रूट थ्री से ही हर में परिक्त रूट को ही अंश और हर में गुणा कराना पड़ता, तो रूट थ्री से अंश और हर में गुणा करा लेंगे, रूट थ्री बाय रूट थ्री हो जाएगा, अंश गुणा अंश होगा हर गुणा हर में। चलिए करते हैं आगे, आए एक छिपा हुआ है तीन कम तीन, रूट में हो जाएगा रूट और रूट में गुणा होता द्वितीय छह हो जाएगा। नीचे आगे भी एक छिपा दो एक दो रूट और रूट में होती त्रिका गुणा हो जाएगा। इसको ऐसे नोट करेंगे अंश वाले को, हर वाले में बुरा लगाया नौ का वर्गमूल तीन होता है, अब आएगा तीन रूट छः से नोट कर लेंगे दो दिया छः। इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे तीन एकदम तीन तीन दूनी छः लगन रूट छः बटे दो आएगा छः, यही हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा हर पर नहीं करण हो गया है स्टूडेंट, हमारा ये आंसर होगा। ये दोनों ही हमारे आंसर है, आप इस रूप में प्राप्त कर सकते हो आंसर और इस रूप में भी आंसर प्राप्त कर सकते हो। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर चार है, रूट 625 बाय 11 इनटू 14 बाय रूट 25 इनटू 11 बाय रूट 196 का मान याद करना है, वैल्यू फाइंड करना है, तो हमें वैल्यू फाइंड करना है। स्टूडेंट आप लोग स्क्वायर रूट अच्छे से सीखे हैं, जैसे कि 625 का वर्गमूल होता है 25, 25 का वर्गमूल होता है 5, 196 का वर्गमूल होता है 16। अगर आपको डायरेक्टली लर्न है तो आप बहुत कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने में प्रॉब्लम होती है या जल्दी से नहीं कर सकते हैं तो टाइम आपका लॉस होगा, इसलिए आप बहुत फास्ट निकालने का भी तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको निकालना सिखाता हूँ जल्दी से। 625 का वर्गमूल निकालना है तो 625 का वर्गमूल हम गुणनखंड से निकालते हैं, मान लीजिए तो 5 को 5 5 2 10 5 25 और 5 से निकालेंगे 5 2 10 5 25 और फिर 5 से करेंगे 5 5 25 5 1 कम 5, ये 625 का गुणनखंड रहा। वर्गमूल में दो दो का जोड़ा बनता है, एक 5 यहाँ से लिया जाएगा एक 5 यहाँ से, 5 25 625 का दो वर्गमूल आएगा और 25 आ जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग 196 का भी निकालेंगे हम लोग और 25 का भी निकालेंगे। अगर आपको निकालना और लर्न करना पहले से सब काम हो चुका है तो आप कम समय में इसको सोल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। तो मैं आपको चलता हूँ क्वेश्चन को आगे लेकर। 625 का वर्गमूल होता है 25 बटे 11 हो जाएगा, गुणे लगाएंगे 14 बटे 25 का वर्गमूल 5 होता है और 11 बटे 196 का जो वर्गमूल होगा वो हम लोग 16 लिखते हैं। वैसे भी अगर आपको निकालना हो 196 का हम लोग गुणनखंड से प्राप्त कर सकते हैं, दोनों 18 दो बटे 16 दो चौ 8 दोनों 18 सात सत्तावन 4 सात कम 7 7 एक साथ यहाँ से हो जाएगा एक दो यहाँ से 7 दूनी 14 196 का जो वर्गमूल आएगा वो 14 आएगा, इसको हम यहाँ पर 14 को रखेंगे तो 196 का स्क्वायर रूट या वर्गमूल 14 होता है। आइए हम अब यहाँ पर 5 कम 5 5 25 और 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ केवल बचेगा 5, इसका आंसर जो है 5 आएगा, इसको हम एक मिनट के अंदर में सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आंसर है 5। स्टूडेंट आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट से और शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगला वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। थैंक्स अ लॉट।